बच्चों आज अपन चैप्टर नंबर 12 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अपन ने एक से लगाकर 11 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उसके सारे वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। एक से लगाकर 11 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 से लगाकर सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। अपन चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत करेंगे। अब इस चैप्टर नंबर 12 में कौन कौन से सवाल आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी व इसके उपयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशन से। चैप्टर इजी है। अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसमें क्या क्या सवाल आएंगे। इसमें एक सवाल ऑब्जेक्टिव आएगा, एक सवाल अति लघुरात्मक आएगा और दो सवाल आपके लघु उत्तरात्मक आएंगे। ये जो लघु उत्तरात्मक सवाल है इसमें आपको 3 से 4 लाइन में उत्तर लिखना होता है। कितनी लाइन में? 3 से 4 लाइन में आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। और ये जो अति लघुरात्मक है इसमें आपको 1 लाइन में उत्तर लिखना होता है, ज्यादा से ज्यादा आपके 2 लाइन हो सकती है, इससे ज्यादा ये नहीं होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको 4 ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव पर ऐसे टिक करना होगा और फिर उसके बाद आपको कॉलम के अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसकी अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे, फिर अपन अति लघुरात्मक की चर्चा करेंगे, फिर अपन लघु उत्तरात्मक की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब आपको एक बात बता दूं, मैं आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबाएं ताकि मुझे पता चले कि बच्चे ने वीडियो देखा है और बच्चा मुझसे जुड़ा है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करनी है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए आपको कि भाई हम सर इतना बड़ा वीडियो नहीं देख सकते हैं, जैसे 20 मिनट का 25 मिनट का, अगर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाए तो हम क्या करें कि इस वीडियो को आराम से देखें, उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लें, ठीक है। एक और तरीका आपके पास मैं बता दूं, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके तो क्लास के जितने क्लासमेट है सब बच्चों को ये चैनल है उसकी चर्चा करें। और मेरे पास में ये जो चैप्टर है सारे चैप्टर के वीडियो मैंने लगभग डाल दिए हैं। आप अगर इसको अच्छा बड़ा पढ़ना चाहते हो तो इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। आप उस पे जाके इसके पार्ट्स है, उन पार्ट्स की स्टडी करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव सवाल है उसके आंसर देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। तो अपन चैनल पे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 12 के अपन ने सवाल लिख लिए हैं। आप लोग इन सवालों को आंसर वीडियो पोज करके देने की कोशिश करें कि आप लोग ये सवाल है इंग्लिश में कितने सवाल आपको आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमने सारे सवाल हमारे राइट हो रहे हैं, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इन सवालों की चर्चा कर लेते हैं। अपने सवाल है बीटी कॉटन, बीटी कॉटन में समाविष्ट किए गए क्राइजीन कौन से हैं। क्राइजीन क्या करते हैं, विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। अब अपन देखते हैं ये कपास है, इस कपास को क्या होता है, कपास को एक विशेष प्रकार का छेदक है जिसका नाम है मुकुलकर्मी। क्या है? मुकुलकर्मी है। ये क्या करता है, कपास होता है उसको खा जाता है। जैसे ये कपास है, इस कपास को ये क्या करेगा, इसमें छेद कर देगा और ये कपास ये खराब हो जाएगी, इसमें रुई नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये मुकुलकर्मी होता है, ये कपास को खा जाता है। अब ये कपास सामान्य कपास है, हमारे पास एक बीटी जीन है, इस बीटी जीन को कपास में डाल देते हैं, ये कपास हो जाता है बीटी कॉटन। अब ये क्या करता है कि कपास एक विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करता है। इस विषाक्त प्रोटीन के कारण क्या होता है, इस कपास को कौन खाता है, मुकुलकर्मी यानी बॉल वर्म खाता है। ये बॉल वर्म क्या है, एक विशेष प्रकार का आपको बताना है कीट है। ये क्या करता है, ये इसको खाता है, इसकी कैटरपिलर अवस्था होती है वो क्या करती है, इस कपास को खा जाती है। अब अपन ने कहा भाई क्या करेंगे कि ये कपास है, इस कपास को बीटी को कपास में बदल देंगे। अब बीटी कपास मतलब अपन बीटी जीन है, उस जीन का दूसरा नाम होता है क्राइजीन, जो बीटी जीन का दूसरा नाम होता है क्राइजीन। अब कौन से क्राइजीन इसमें डालें, अब आपको मुकुलकर्मी को नियंत्रित करना है तो आपको याद रखना है क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB, ये जीन डाले जाते हैं, ये आपको क्या करना है याद रखना है। फर्स्ट क्लास होती है, AC का टिकट आप कभी कराते हो फर्स्ट क्लास होता है, ठीक है। AB सेकंड क्लास होता है, एक बार AC फर्स्ट क्लास होती है और AB क्या होता है सेकंड क्लास होता है, ऐसे आप लोग याद रखोगे कभी गलत नहीं होगा। ये C छोटा लिखना है और B भी आपको क्या करना है छोटा लिखना है।
आप हिंदी में लिखते हो ए सी तब तो कोई समस्या नहीं है, ए बी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखते हो तो सी और बी आप छोटा लिखना, ये नियम है। अब उसके बाद अगला सवाल है कि क्राई जीन उत्पन्न करता है। अब क्राई जीन उत्पन्न कौन करता है, नेचुरल सी बात है क्राई जीन उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, विषाक्त प्रोटीन, बिल्कुल सही है। ये किस लिए प्रोटीन उत्पन्न करता है, जो विषाक्त प्रोटीन होता है, क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। इस क्राई जीन द्वारा जो उत्पन्न प्रोटीन है उसको क्राई प्रोटीन भी कहते हैं या विषाक्त प्रोटीन भी कहते हैं या कीटनाशक प्रोटीन कहते हैं, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अब ये क्राई जीन होता है ये पाया जाता है इस बेसिलस थुरिजियेंसिस बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, जो बेसिलस थुरिजियेंसिस बैक्टीरिया है उसके अंदर ये क्या होता है, उपस्थित होता है। ये इसकी क्या है, बेसिलस थुरिजियेंसिस है उसकी एक अवस्था होती है, उस अवस्था के अंदर ये क्या करता है, प्रोटीन होता है उसका निर्माण करता है। ये इसके चैप्टर प्रोटीन का आवरण बन जाता है ये इस बेसिलस थुरिजियेंसिस के अंदर। अब क्या होता है कि ये बॉलवर्म नामक कीड़ा होता है वो इसको खाता है, ये बॉलवर्म नामक कीड़ा इस क्रिस्टलीय प्रोटीन को खाता है, यानी इस पूरे इसकी क्रिस्टलीय अवस्था को खाता है, और खाते ही क्या होता है, इसकी आंत्र की जो पीएच होती है उसके कारण ये प्रोटीन क्या हो जाता है, ये सक्रिय हो जाता है, ये जो क्रिस्टलीय प्रोटीन है वो सक्रिय हो जाता है, यानी इसका सक्रियण हो जाता है, और इस आंत्र की जो उपकला है उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, और आंत्र की उपकला में छेद होने के कारण क्या होता है, इस आंत्र की उपकला में छेद होने के कारण क्या होता है, ये फूल कर फट जाती है और ये कीट मर जाता है। तो कीट के अंदर ये कैसे प्रभाव पड़ता है, इसको चाहिए, ये बाहर जब तक है तब तक निष्क्रिय है, लेकिन जैसे ही ये कीट होता है ये इसको खाता है, इसको उपयुक्त पीएच मिलती है, और उपयुक्त पीएच मिलते ही ये क्या होता है, जो क्राई प्रोटीन है जिसके द्वारा क्राई प्रोटीन है जिसको अपन विषाक्त प्रोटीन या कीटनाशक प्रोटीन कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है और इसके आंत्र उपकला में छेद कर देता है और ये मर जाता है। एक ये भी सवाल आता है कि ये बेसिलस थुरिजियेंसिस स्वयं के लिए ये जो कीटनाशक प्रोटीन है, जो क्राई प्रोटीन है, वो हानिकारक क्यों नहीं होता है, ठीक है, यानी इसके स्वयं के ऊपर ये इफेक्ट क्यों नहीं करता है। नेचुरल सी बात है कि ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, कैसी अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है या प्राक अवस्था में होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है, इसको सक्रिय होने के लिए अनुकूल पीएच चाहिए, इसको सक्रिय होने के लिए क्या चाहिए, अनुकूल पीएच चाहिए, जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है, तो इस कारण ये कीटनाशक स्वयं जो अपन कह रहे हैं ये जो बेसिलस थुरिजियेंसिस जीवाणु है उसके स्वयं के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि निष्क्रिय अवस्था में होता है और इसको सक्रिय होने के अनुकूल पीएच चाहिए, जो कहाँ मिलती है, कीट के आंत्र के अंदर मिलती है। आपके खेत के अंदर क्या है, आप बेसिलस थुरिजियेंसिस की जो अवस्था है, जो क्रिस्टलीय अवस्था है, उसको ले जाकर डाल दो तो जितने भी जो लट्टे होगी वो सारी मर जाएगी इस क्रिस्टलीय प्रोटीन को खा खाकर। अगला सवाल है बीटी जीन पाया जाता है, बीटी जीन किस में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटी जीन की जगह आ सकता है क्राई जीन, क्राई जीन किस में पाया जाता है, बेसिलस थुरिजियेंसिस के अंदर, बॉल वर्म के अंदर, कैटरपिलर के अंदर और उपरोक्त सभी के अंदर। तो आपको बताना बेसिलस थुरिजियेंसिस बी मतलब बेसिलस और टी मतलब थुरिजियेंसिस, इसके अंदर पाया जाता है बीटी जीन। अगला सवाल है क्राई प्रोटीन नियंत्रण करता है, यानी क्राई प्रोटीन होता है वो किसका नियंत्रण करता है। पहला ऑप्शन है लिथी डॉक्टेशन, तंबाकू का कली का कीड़ा, सैनिक कीड़ा। दूसरा है कॉलियोप्टेरॉन और तीसरा है डिप्टेरॉन। डिप्टेरॉन में मक्खी आते हैं, मच्छर आते हैं, और कॉलियोप्टेरॉन के अंदर आपको बताना है जो भृंग होते हैं, जो कीट होते हैं भृंग, जो बीटल टाइप की होती है वो आती है। तो ये उपरोक्त सभी को नियंत्रित करता है। जो क्राई प्रोटीन होता है उसकी विशेषता होती है कि तंबाकू का कली का कीड़ा है, सैनिक कीड़ा है, इन सबको ये क्राई प्रोटीन नियंत्रण करता है। अगर आपके खेत के अंदर तंबाकू का ये कली का कीड़ा है, सैनिक कीड़ा है, वो घूम रहा है, इसी तरह से ये बीटल्स घूम रही है, जिनको अपन कह रहे हैं कि ये बीटल्स होती है छोटी छोटी वो घूम रही है, डिप्टेरॉन मक्खी मच्छर घूम रहे हैं, तो ये क्राई प्रोटीन होता है उनका छिड़काव कर दिया जाए। अगला सवाल मक्का छेदक को नियंत्रित करने वाला जीन है। जो मक्का छेदक होता है ये विशेष प्रकार के कीट का नाम है जो मक्के में छेद कर देता है, उस मक्के छेदक को नियंत्रित करने वाला जीन कौन सा है, यहाँ क्राई फर्स्ट ए बी आएगा ना कि ए सी आएगा, ध्यान रखना क्राई फर्स्ट ए बी, ये ध्यान रखना, यहाँ सेकेंड ए बी था, यहाँ फर्स्ट ए बी है, यहाँ ये इस तरह से ये क्या करता है, ये मक्के में छेदक को नियंत्रित करने वाला जीन है।
बच्चों सवाल है, बच्चों में एडीए की कमी के उपचार में किसका प्रत्यारोपण करते हैं? तो आपको पता ही है, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करते हैं भ्रूणावस्था के अंदर या बाद में, ठीक है। और परमानेंट ये इलाज यही है कि जो भ्रूणावस्था है उसमें जीन है उसको हटाकर नया जीन लगा दिया जाए। तो एडीनोसिन डी एमिनेज एंजाइम एडीए का पूरा नाम होता है। ये कैसी बीमारी होती है? जो कि अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। तो किसका प्रत्यारोपण करते हैं? अस्थि मज्जा का। सबसे पहले किस रोग के उपचार की नैदानिक चीज जीन चिकित्सा आई? यानी कि जीन चिकित्सा का नाम सुनते ही आपको एक ही बीमारी याद रखनी है, एडनोसिन डी एमिनेज अल्फा। यही आपके बुक के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, एडनोसिन डी एमिनेज एंजाइम का उपचार जीन चिकित्सा द्वारा किया गया था, ठीक है। और अगर मान लो जैसे फिनाइल क्यूटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी भी आए तो वो भी क्या है? जीन चिकित्सा द्वारा इलाज किया जाता है। अब अगला सवाल है, परिपक्व इंसुलिन में प्राग हार्मोन का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? दो तरह का इंसुलिन होता है। पहले बनता है प्राग इंसुलिन। प्राग इंसुलिन के अंदर तीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ए बी और सी। ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, बी पॉलीपेप्टाइड, सी, तीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। और परिपक्व जो इंसुलिन होता है उसके अंदर ए और बी दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही होती है, ध्यान रखना। तो कौन सी नहीं होती है? सी नहीं होती है। कौन सी होती है? सी नहीं होती है। एलिली कंपनी थी, उस एलिली कंपनी ने क्या है आपको बताना है, ई कोले जीवाणु है उसके अंदर जीन स्थानांतरित किया और सिर्फ ऐसा इंसुलिन बनाया जिसमें ए और बी दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही बनती है। तो आपसे पूछा जाएगा परिपक्व इंसुलिन में प्राग हार्मोन का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? पहला ऑप्शन ए पॉलीपेप्टाइड, दूसरा बी पॉलीपेप्टाइड, तीसरा सी। तो आपका उत्तर होगा सी पॉलीपेप्टाइड। क्या होगा? सी पॉलीपेप्टाइड। आपकी बुक के अंदर एक सुंदर सा चित्र बना हुआ है, उसमें अलग अलग पेन से तीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी हुई है, फिर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उन्होंने हटाया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। होम्योलिन है, होम्योलिन आपको पता ही है, मानव निर्मित इंसुलिन को कहते हैं होम्योलिन। मानव निर्मित इंसुलिन को कहा जाता है होम्योलिन। तो होम्योलिन क्या है? एंजाइम नहीं है, प्रतिजैविक पदार्थ नहीं है, इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, एमपी सीमा के उपचार में कौन सा प्रोटीन काम आता है? एमपी सीमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें फेफड़ों में जो वायु कुपिका उसमें तरल बढ़ जाता है, फेफड़ों की वायु कुपिका में तरल बढ़ जाता है जिसके कारण श्वसन लेने में तकलीफ होती है। तो एमपी सीमा के उपचार में कौन सा प्रोटीन काम आता है? तो आपको बताना है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एएटी। आप भेड़ का दूध पियो, आपको अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन मिलेगा और किसी प्रकार का जो ये एमपी सीमा रोग है उससे मुक्ति मिल जाती है। तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन किसके दूध में होता है? भेड़ के दूध में होता है। ये भेड़ ये अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन बनाती है जिससे एमपी सीमा के इलाज में काम आता है। रोजी गाय, गाय का नाम सुना होगा, रोजी गाय। कौन सी गाय? रोजी गाय। इसके दूध में कौन सा प्रोटीन होता है जो साधारण गाय के दूध में नहीं होता है? ये बच्चों के पोषण के लिए आवश्यक होता है। जो बच्चे हैं उनकी पोषण के लिए आवश्यक है, बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जो सामान्य दूध में नहीं पाया जाता। तो अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन, नाम याद रखना, अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन। अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन तो होता है रोजी गाय के दूध में। रोजी गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन। और एमपी सीमा के उपचार में क्या है? अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। ये दो आपको पक्के एकदम टिप्स पे याद कर लेने बच्चों, ठीक है। अगर ये टिप्स पे याद है आपको दोनों प्रोटीन के नाम, तो आपके तुरंत में से एक नंबर आ जाएगा, अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। सवाल है, गोल्डन राइस किसका प्रचुर स्रोत है? गोल्डन राइस नाम सुनते ही आप सोचते होंगे ये गोल्डन मतलब होता होगा सोना, ठीक है। लेकिन आपको यहां पे थोड़ा दिमाग स्थिर रख के उत्तर देना है। गोल्डन राइस किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए का। जिस किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होती है उसके अंदर क्या होता है? उसको गोल्डन राइस खाना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है गोल्डन राइस में क्या अधिक होता है विटामिन ए, जिसकी कमी से रतों में रोग दूर होता है। तो गोल्डन राइस किसका प्रचुर स्रोत है बच्चों? कभी मत भूलना इसका उत्तर, विटामिन ए।
अगला सवाल है, सर्वाधिक अनुवांशिक गोल्डनाइज चावल है, ध्यान रखना है, सर्वाधिक अनुवांशिक रूपांतरित जंतु कौन से हैं? सबसे ज्यादा अनुवांशिक रूपांतरित जंतु 95% ऐसे जंतु है जो चूहे हैं। क्या है? चूहे सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड जंतु है। ये आसानी से क्या होते हैं? प्रयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है, इनपे प्रयोग आप आसानी से कर सकते हो। बड़े आकार के, विशाल आकार के चूहे बनाए गए जिसपे मानव की त्वचा है उसको भी उगाया गया है, उगाया मतलब उसको ग्राफ्टिंग किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, एलिसा टेस्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एलिसा टेस्ट होता है वो HIV का टेस्ट है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला कोशिका पद्धति प्रतिरक्षा, दूसरा अवशोषण सिद्धांत, तीसरा एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन। ये तो इसका पूरा नाम है एलिसा का, एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन। ये भी परीक्षा में सवाल आ सकता है, एलिसा टेस्ट का पूरा नाम लिखो, एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन। चौथा है प्रतिजन प्रतिरक्षा अनुक्रिया, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है प्रतिजन प्रतिरक्षा अनुक्रिया के सिद्धांत पर कौन सा टेस्ट स्थिर है? एलिसा टेस्ट है। अगला सवाल है, तंबाकू की जड़ों को कौन सा परजीवी संक्रमित करता है? जो तंबाकू है उसकी जड़ों को एक विशेष प्रकार का कृमि, जिसको अपन हेलमिंथीस कहते हैं, एक विशेष प्रकार की जो अपन कह रहे हैं जैसे एस्केरिसिया फाइलेरिया, ये कृमि में आते हैं, निमेटोड्स में आते हैं, तो कौन सा है? मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया। मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करता है, ध्यान रखना, पत्तियों को नहीं, पुष्पों को नहीं, तने को नहीं, जड़ों को। यह भी सवाल आ सकता है, तंबाकू की जड़ों को कौन सा परजीवी संक्रमित करता है? मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया। मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया तंबाकू के कौन से भाग को संक्रमित करता है? जड़ों को। जो RNA अंतरक्षेप विधि होती है, जो RNA इंटरफेरेंस मेथड होता है, उस मेथड के अंदर क्या होता है, अपन इस RNA को द्विसूत्री RNA में बदल देते हैं। जो RNA होता है उसको द्विसूत्री RNA में बदल दिया जाता है। आपको पता है DNA से क्या बनता है? mRNA। ये mRNA कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड। अगर इसको द्विसूत्री RNA में बदल दिया जाए, इस mRNA को द्विसूत्री RNA में बदल दिया जाए, तो ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा। और जब ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो ये मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया की वृद्धि रुक जाएगी। तो DNA होता है, उस DNA की आपको विशेषता बतानी है, वो mRNA बनाता है, उसको अपने को द्विसूत्री में बदलना है। किसमें बदलना है? द्विसूत्री में बदलना है, तो मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया की वृद्धि रुक जाएगी प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। यानी इसके अंदर अपन चेंजेस कर देंगे, इसमें एक वेक्टर काम आता है, इसमें जो तंबाकू की जड़ों में क्या होता है, mRNA इंटरफेरेंस टेक्निक के लिए एक वाहक का काम होता है, सहवाहक चाहिए, जिसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएशियंस। ये नाम भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि mRNA जो ये द्विसूत्री RNA या RNA अंतरक्षेप विधि में तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करने के लिए किस वाहक की आवश्यकता होती है, यहां लिखा होता है सहवाहक, तो आपको नाम याद रखना है एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। इसकी सहायता से ये क्या होता है, ये द्विसूत्री RNA में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका उत्तर ये होगा। अगला सवाल है, सहसीम केंद्रीय जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है, यानी जो सहसीम केंद्रीय जीव है उसकी जीवों की कोशिकाओं में एक सुरक्षा के लिए कौन सी विधि काम आती है? RNA अंतरक्षेप विधि। ये जो RNA इंटरफेरेंस मेथड होता है, ये क्या करता है, ये जीवों में कोशिकीय के सुरक्षा की एक विधि है, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा RNA अंतरक्षेप विधि। अपन चैप्टर 12 है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक विजातीय DNA को फसली पौधों में डालने के लिए सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है? यानी आपके पास में एक विजातीय DNA है जो पॉरिजन DNA है, उसको फसली पौधों में आपको डालना है, तो आप किसको वाहक के रूप में उपयोग में लोगे? पहला ऑप्शन एग्रोबैक्टीरियम, दूसरा ट्राइकोडर्मा, तीसरा पेनिसिलियम, चौथा ई कोलाई। तो आपको बताना है, ये एग्रोबैक्टीरियम होता है, इसको क्या होता है, विजातीय फसलों के अंदर विजातीय DNA डालने के उपयोग में लिया जाता है, आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम। अगला सवाल, ऐसे पौधे जीवाणु कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्तकोशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं,
यानी कोई भी जीव है जिसके जीन से वो हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनुवांशिक रूपांतरित जीव, दूसरा है पराजीनी जीव, तीसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, चौथा उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। इसमें यह परिभाषा भी आती है अनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं। तो आपको बताना है ऐसे पौधे, जीवाणु या कवक या जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं उन्हें कहते हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव। ठीक है, ये परिभाषा आती है, जीएमओ है, उसका पूरा नाम लिखो और उसकी परिभाषा लिखो, तब आपको ये परिभाषा लिखनी है। एली लिली कंपनी ने 1983 के अंदर क्या हुआ था, ह्यूमिलिन का उत्पादन किस जीवाणु द्वारा किया गया था। पहला है ई कोलाई, दूसरा एग्रोबैक्टीरियम, तीसरा हीमोफाइलस, चौथा उपरोक्त सभी। तो ई कोलाई है उसके अंदर ये जीन डालकर इन्होंने क्या किया था, इंसुलिन का निर्माण किया था। इंसुलिन को कहते हैं ह्यूमिलिन। ठीक है, अब अगला सवाल, इंसुलिन को ग्रहण किया जाता है किसी व्यक्ति को अगर मधुमेह रोग है, डायबिटीज रोग है, डायबिटीज मेलिटिस, किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज मेलिटिस रोग है तो उसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसको टैबलेट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, इसको सिरप के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, इसको गोलियों के रूप में नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो कभी भी अपन इसको मुख से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये भी सवाल आ सकता है कि इसको मुख द्वारा ग्रहण क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन है और प्रोटीन का पाचन हो जाता है, इसलिए इसको इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है। ठीक है, पहले इंसुलिन है वो कुछ जंतुओं से, जंतुओं का जो अग्नाशय है उससे ये इंसुलिन होता है, उस इंसुलिन को लिया जाता था, लेकिन इस इंसुलिन से एलर्जी हो जाती थी। इसके बाद में क्या है कि इंसुलिन है उसका निर्माण एली लिली कंपनी ने ये ई कोलाई जीवाणु से कर दिया, जिसके कारण क्या होता है, एलर्जी नहीं होती है। ये भी सवाल आ सकता है कि जंतुओं से प्राप्त इंसुलिन को उपयोग बंद क्यों कर दिया गया है, जैसे सुअर है और दूसरे जंतु है, उन जंतुओं से प्राप्त इंसुलिन है, गाय है इनसे इंसुलिन प्राप्त हुआ था, उस इंसुलिन का से एलर्जी हो जाती है मनुष्य को, और इंसुलिन को हमेशा इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है, कभी भी इसको मुख से नहीं ग्रहण किया जाता, मुख से इसका पाचन हो जाता है। इंसुलिन का निर्माण होता है हमारे अग्नाशय में होता है, क्या होता है अग्नाशय में, क्या होता है, लैग्रेंज की दीपिका होती है, अग्नाशय एक विशिष्ट ग्रंथि है, इसमें लैग्रेंज की दीपिका होती है। इस लैग्रेंज की दीपिका के अंदर, इस लैग्रेंज की दीपिका के अंदर क्या होता है, अल्फा बीटा और डेल्टा तीन कोशिका होती है। तो बीटा कोशिका से इंसुलिन बनता है। लैग्रेंज की दीपिका जो अग्नाशय में पाई जाती है उसकी बोम सिंह इंदा भारत इंडिया, ये ट्रिक है कि बीटा कोशिका से इंसुलिन बनता है, किससे बनता है, आप कभी भी गलत नहीं करोगे, भारत इंडिया याद रखना, भोम सिंह इंदा याद रखना, तो आपको याद रह जाएगा बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, क्या निकलता है, इंसुलिन। तो ये इस तरह से इंसुलिन का निर्माण होता है, उत्तर होगा अग्नाशय, क्या होगा, अग्नाशय। ठीक है बच्चों, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मैं इसका पार्ट टू जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखें, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेंड करें। सारे चैप्टर्स के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको भेज दूंगा।